रायपुर के एमएमआई नारायण हॉस्पिटल में एक जटिल सर्जरी के माध्यम से 37 वर्षीय महिला के दिल में पेसमेकर लगाया गया। यह दुर्लभ और असामान्य प्रक्रिया छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में पहली बार की गई है। रायपुर के एमएमआई नारायण हॉस्पिटल में एक 37 वर्षीय महिला के दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सफलतापूर्वक पेसमेकर लगाया गया। इस महिला को 10 साल पहले जन्मजात दिल का बीमारी से सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण जटिल फाउंटेन ऑपरेशन से उसको गुजरना पड़ा, जिसमें उनके दिल को 4 चैम्बर से 2 चैम्बर में तब्दील कर दिया गया। सर्जरी के 8 साल बाद उन्हें दिल की धड़कन में अनियमितता और बेहोशी के दौरे आने लगे। डॉक्टरों ने इसे सिक्स साइंस सिंड्रोम बताया, जिसमें दिल की धड़कन 20 से 140 धड़कन प्रति मिनट तक घटती बढ़ती थी। पेसमेकर लगाने से समस्या का सबसे प्रभावी उपचार था, लेकिन इस महिला के दिल की संरचना के कारण यह एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टरों डॉक्टर सुमंता शेखर पाधी और डॉक्टर किंजल बख्शी के नेतृत्व में एक नवीन दृष्टिकोण अपनाते हुए सफलतापूर्वक पेसमेकर लगाया गया। इस जटिल प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 5 घंटे लगे और 4th दिन महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल के फैसिलिटी डायरेक्टर श्री अजीत कुमार ब्लेमकोंडा ने इस सफल प्रक्रिया के लिए कार्डियोलॉजी विभाग को बधाई दी है। ऐसा नॉर्मली हम लोगों का हार्ट में 4 चैम्बर रहता है, उनके लिए अनफॉर्चुनेट 2 चैम्बर का हार्ट बनाया गया था, इसको हम फंटन सर्किट बोलते हैं। इस टाइप का सर्जरी में ऑलमोस्ट 5 से 10% केसेस में लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस होता है, हार्ट रेट का धड़कन का इरेगुलरिटीज रहता है और कम होके पेसमेकर का रिक्वायरमेंट रहता है अराउंड 5% केसेस में। तो ये चूंकि एक बहुत रेयर और अनकॉमन प्रेजेंटेशन है, उसको पेसमेकर लगाना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, तो थोड़ा सा जो एग्जिस्टिंग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको मॉडिफाई करके बड़ी मुश्किल से हम उसको पेसमेकर इम्प्लांट किए हैं, सक्सेसफुली इम्प्लांट हुआ है और पेशेंट इज डूइंग वेल। और ये एक बहुत रेयर और अनकॉमन एंड यूनिक केस है, जिसके लिए एक प्रॉपर टीम वर्क का जरूरत पड़ता है। आपका कार्डियोलॉजिस्ट से लेके एनेस्थेसिस्ट से लेके आपका कैथ लैब टेक्नीशियन स्टाफ को लेके, और सभी लोग मेहनत किए हैं इस केस के लिए। ऑलमोस्ट टोटल हमको 5 घंटा लगा इस केस को खत्म करने के लिए, और सक्सेसफुली हम एक अच्छा काम किए और पेशेंट इज डूइंग वेल। हाँ, ये एक मोस्ट लाइकली इंडिया में हार्डली बहुत रेयर केस ही हुआ है, और सेंट्रल इंडिया में ये पहला केस है। हमारा नॉलेज में नहीं है कि सेंट्रल इंडिया में इस टाइप का केस पहले कभी किया है। सर्जरी जो उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, उससे पहले बहुत थकावट वगैरह इन्हें महसूस होती थी, तो उसमें तो काफी सुधार आ गया था। अभी 1-2 साल से ही दोबारा ये जो इन्होंने शिकायत बताई वो शुरू हुई थी। तो पहले तो सीजर आ रहा है, मतलब ब्रेन संबंधित बीमारी है, उसके लिए इलाज चल रहा था। अभी रिसेंटली हमने डायग्नोज किया कि इनको एक्चुअली हार्ट का जो धड़कन है वो इरेगुलर होके काफी स्लो हो जा रही है, और लंबे समय तक स्लो होने के कारण इनके ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है, और उसी की वजह से इनको जो है बेहोशी वगैरह आ रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा समय सर और लाइफ सेविंग रहा कि हम इसको समय रहते डायग्नोस कर पाए और ट्रीट भी कर पाए। इमरजेंसी सिचुएशन में शायद इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। Team Dr. S. S. Padhi and Kinjal Bakshi has devised a solution for a tough case, a very tough case and a very rare case. And pehle mein, you know, we never did this kind of case in central part of India, and we are very happy having such a team. And we want to keep on innovating new ideas for this society, and I wish you all the very best. इलाज तो मेरे 2014 से मैडम कर रही हैं। मेरी सर्जरी जो है 7 साल में हुई, और अभी मैडम से मैं चेकअप ही कराती हूँ। अगर सत्यसाई में मैं अगर कुछ भी कराऊं, तो वहाँ के सर को भी इतना विश्वास है कि डॉक्टर किंजल बख्शी जो सजेशन देंगे वो बहुत ही अच्छा ही देंगे, तो वहाँ से भी पेशेंट मैडम के पास वहाँ भेजते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ माना मन विश्वास से अभी भी बोलती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि मैडम और सर के ऊपर विश्वास है मुझे। तो इसीलिए माना जिंदगी तो इन्हें मालूम मैडम और सर ने दिया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।
ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।